वेल यार, बजाज की तरफ से फर्स्ट सीएनजी बाइक जो है फाइनली आज लॉन्च हो चुकी है। 1 बजे इनका इवेंट था, A to Z डिटेल इस बजाज की सीएनजी बाइक की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले इसमें 3 मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है जो की हमने कल के वीडियो में बताया था, फ्रीडम सीएनजी बाइक। तो वही नाम यहाँ पर जो है कंपनी ने रखा है। एंड एक रुशलैंड वेबसाइट पर एक पिक्चर भी आई थी, एक्सपेक्टेड ऐसा लुक होगा। तो फाइनली गाइज वही लुक जो है कंपनी ने फाइनल किया है, जैसे की आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो कस्टमर सोच रहे होंगे कि यार कितनी रेंज देगी एंड कितनी इसकी प्राइसिंग है, तो सबसे पहले इसकी रेंज जो आपको मिलने वाली है वो कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल और सीएनजी मिलाकर आपको 330 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलने वाली है। मतलब ये टेस्टेड इन्होंने कंबाइन करके किया है। अगर हम सीएनजी कैपेसिटी की बात करें, टैंक में कितना सीएनजी बैठेगा, तो 2 kg का कैपेसिटी इन्होंने बताया है एंड 2 लीटर का पेट्रोल कैपेसिटी इन्होंने बताया है। मतलब इनकी जो सीएनजी का टैंक होगा वो 2 kg कैपेसिटी नहीं होगा, उससे ही ऊपर होगा। लेकिन आप सीएनजी फिल करोगे तब आपको फाइनल 2 kg आपको देखने को मिलने वाला है। सो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यार अगर पेट्रोल में 50-60 किलोमीटर की रेंज देता है 1 लीटर में, तो 2 लीटर में अप्रोक्सली 120 किलोमीटर की रेंज देगा पेट्रोल में। मतलब घुमा फिरा के आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यार सीएनजी में आपको 1 kg में 100 किलोमीटर तक आपको रेंज देखने को मिलने वाली है। उसके बाद लुक्स की बात करें तो डेफिनेटली लुक्स इसका काफी अट्रैक्टिव है, जो कि काफी कस्टमर बोल रहे थे कि यार ये प्लैटिना जैसा आएगा या ये पल्सर जैसा आएगा। लेकिन इसका लुक डेफिनेटली चेंज है, काफी बड़ा सीट मिल जाता है, अप्रोक्सली 3 लोग तो आराम से बैठने वाले है। एंड इसमें कंपनी ने 3 मॉडल को लॉन्च किया है, सभी मॉडल में आपको इंजन जो है सेम ही मिलेगा। सभी मॉडल में सीएनजी टैंक एंड जो पेट्रोल टैंक है उसकी भी कैपेसिटी सेम ही मिलने वाली है। 125 सीसी का इंजन इसमें रहने वाला है। एंड कंपनी ने इसकी जो प्राइसिंग रखी है वो स्टार्टिंग वाले मॉडल की प्राइसिंग 95,000 रखी है, दूसरे वाले मॉडल की प्राइसिंग 1,05,000 रखी है एंड तीसरे वाले मॉडल की प्राइसिंग 1,10,000 रखी है। और दोस्तों इस सीएनजी बाइक को जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली टेस्टिंग किया है, 11 टेस्टिंग करने के बाद ये आपकी तरफ आने वाली है। सीट के नीचे आपको यहाँ पर जो है टैंक मिलने वाला है सीएनजी का, इसलिए आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यार सीएनजी टैंक पर ही बैठकर आपको इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से इसका जो सीएनजी टैंक है उसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी। सो आपको क्या लगता है इस बजाज की फर्स्ट सीएनजी बाइक के ऊपर, आपका क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर से जरूर बताना। और इस बजाज की सीएनजी बाइक की बुकिंग जो है चालू भी हो चुकी है, इस वीक में आपको इसकी डिलीवरी भी देखने को मिलने वाली है। सो गाइस ये थी कुछ आज की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बजाज की फर्स्ट सीएनजी बाइक के ऊपर। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।